हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतरिता। हरियाणा की आवाज में हर रोज इसी वक्त हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन कृषि कानूनों को जो है वो स्टे कर दिया था और अभी जो है वो चार सदस्यों की जो कमेटी है वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई थी, लेकिन भूपेंद्र मान ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से भूपेंद्र मान ने जो नाम वापस लिया है इससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति, सरकार के प्रति अपना रवैया जो है वो बदल पाएंगे? क्योंकि किसानों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अब किसानों के साथ जो है रहने की बात कही, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया और फिर उसके बाद चार सदस्य कमेटी का गठन किया गया, लेकिन किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल दिया है तो वो भी किसानों के हित में नजर नहीं आ रहा है। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना, क्या कहना है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए, क्या कहना, क्या सोचना आपका? इसका सवाल इसमें न्याय मिलना चाहिए इनको, ये कानून वापस होना चाहिए, नहीं लड़ाई बढ़ती जा रही है आगे से आगे। इसमें इंसान को मरना ही पड़ेगा अगर ये कानून वापस नहीं होए तो। राजेंद्र बताएं, आप किसान हैं, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी। तो ये किस तरह से ये कानून आपको गलत लग रहे हैं? ये ऐसे लग रहे हैं इसमें नए नए जो व्यापारी आ गए ने प्राइवेट मंडी, ये परेशान करने वाली है। जी, तो ये अंबानी अदानी को परमिट दे रहे हैं, ये हमारे काम की बात नहीं है, सब खराब करने वाली बात है। गुलामी का प्रतीक है ये सब। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राजेंद्र आपका। तो किसान आंदोलन का ये मुद्दा उठा रहे हैं और आप तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसान आंदोलन की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। बीते कल आपने देखा होगा लोहड़ी का उत्सव देशभर में मनाया गया और इसी बीच दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए किसानों ने भी लोहड़ी का पर्व मनाया, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों के प्रतियों को अग्नि में स्वाहा करते हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि वो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और लोहड़ी पर्व पर भी किसानों ने लोहड़ी की पवित्र अग्नि में तीनों कृषि कानूनों को स्वाहा किया। तो आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कमेटी में जो दरार आई है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में साबित होगी और दसवें दौर की वार्ता भी होनी है तो इसका क्या समाधान निकलेगा? दसवें दौर की वार्ता से पहले भी किसान इन वार्ताओं चर्चाओं से उम्मीद जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो बीती वार्ताएं हुई हैं वो अनिष्कर्षी रही, कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है सामने। तो कहीं ना कहीं जो दसवें दौर की वार्ता है उससे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में दखल देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल से भी किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, भारत लोकतांत्रिक देश है और विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते किसी भी दल को, संगठन को अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार है। तो किसानों के प्रोटेस्ट में किसी तरह की कटौती नहीं की गई, किसानों का प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में दखल देते हुए केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, चार सदस्य कमेटी का गठन किया, लेकिन कमेटी में शामिल भूपेंद्र मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन इसी के साथ आपको क्या लग रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट से भूपेंद्र मान ने अपना नाम वापस लिया है और कब तक किसान सरकार के बीच में गतिरोध जारी रहेगा और दसवें दौर की वार्ता से क्या समाधान निकलेगा, दसवें दौर की वार्ता से क्या हल निकलेगा और क्या किसानों की आगे की रणनीति सरकार को झुका पाएगी
और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों पर स्टे लगा दिया है, तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? क्योंकि किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून रद्द नहीं किए गए हैं, इन कानूनों पर सिर्फ और सिर्फ स्टे लगाया गया है जो कि फिर से हटाया जा सकता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में दरार पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? क्या ये भी न्यायालय की अवमानना होगी? क्योंकि भूपेंद्र मान ने जिस तरह से अपना नाम वापस लिया है, इसको लेकर भी किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4 सदस्य कमेटी का गठन किया गया वो सभी सदस्य कृषि कानूनों के समर्थन में रहे हैं, उनके आर्टिकल्स भी कृषि कानूनों के समर्थन में रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से ये जो मसला है ये निष्कर्षीय पड़ाव पर पहुंचेगा, अंतिम फैसला क्या होगा? तो इसी बीच किसान बार बार यही प्रश्न पूछते हुए नजर आए और ये मुद्दा फिलहाल राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, जबकि सरकार के तमाम मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को विपक्ष ने भड़का है, जबकि विपक्षी पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस तरह का जो आंदोलन है ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, ये कई राज्यों तक सीमित आंदोलन नहीं रहा है। किसान एक महीना से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहे हैं और अब भी किसानों की जो बात है वो यही है कि वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं और तभी वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर अपने गृह राज्य लौटेंगे। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हाफ सेंचुरी पूरी लेकिन मांग अभी भी क्यों अधूरी, ये सवाल बना हुआ है। और क्यों सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र मान ने नाम वापस लिया है? क्योंकि 4 सदस्य कमेटी जब से गठित की गई है तब से इनके सदस्यों पर भी प्रश्न उठाने किसान संगठनों की ओर से शुरू हो गए थे और किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। किसानों का यह भी कहना था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी वार्ताओं के दौर के दौरान उन्हें कमेटी गठन का प्रस्ताव दे चुके हैं, जिन्हें किसान अस्वीकारते हुए नजर आए हैं। किसानों का यही कहना है कि वो कोई कमेटी नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि किसी भी कमेटी का गठन हो और किसान बार बार वार्ताएं चर्चाएं करते रहें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो सवाल है कि कब तक किसान सरकार के बीच में गतिरोध जारी रहेगा, 10वें दौर की वार्ता से क्या कोई समाधान निकल पाएगा और किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, किसान आगे की रणनीति किस तरह से तय कर पाएंगे? ये भी सवाल बना हुआ है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। नरेंद्र झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ जी जी राय रखिए इन कृषि कानूनों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के बारे में आपका क्या सोचना है? इन कानूनों के बारे में भी जो एमएसपी है ना, जो एमएसपी है इसका कानूनों में कोई जगरा ही नहीं है। और मंडी दूसरी खोल देंगे तो बाहर मान लिया दूसरी कोई दुकान खुल जाएगी लेने वाली, बाहर ये 2 साल तक ज्यादा कीमत दे देंगे, आड़ती चले जाएंगे अंदर से अपने काम को छोड़ के, 3रे साल में हम जाएंगे जब आड़ती वहां मिलेगा ही नहीं तो ज्यादा कहा मिलेगा हमें, फिर मंडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मन मर्जी चलेगी। सबसे सख्त विरोध है भी मंडी कायम होनी चाहिए, एमएसपी से सरकार बन जाए, उससे नीचे कोई ना ले, कानून तो अपने आप खत्म हो जाएगा, उससे क्या लेना देना है। हमसे बड़े बड़े वो काफी बैठे हैं, पर समझाने का तरीका यही है कि जो गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस जो दे है उसके नीचे कोई ना ले,
जी, और कुछ पूछ है ना अभी? और क्या आप किसान हैं? आप खेती किसानी करते हैं नरेंद्र? मैं खेती किसानी ये करता हूँ जी, ओनली फॉर ही चीप एट पे, सिर्फ खेती पे, बीज बनाने से लेकर फल बनाने तक का काम करता हूँ ये। तो जरा ये बताएं कि इन कृषि कानूनों से आपको क्या लगता है, क्या खेती किसानी बची रह जाएगी, बच जाएंगे खेत? क्योंकि किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा वक्त आ जाएगा। हो सकता है जिससे भी बुरा आ जाए, किस लिए? एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। जी। अमेरिका को देख के हिंदुस्तान का, अमेरिका नहीं बढ़ा सकते, सीधी बात। अभी जो आपने फसलें बोई हैं और जो पीछे की फसलें रही, क्या उनमें लाभ हुआ आपको? देखो जी, सरकारों के बारे में मैं नहीं बोला, सभी सरकारें किसान के लिए ही रही है, सीधी बात तथ्य और तरक्की कहूंगा। जी। जो मतलब एमएसपी का रेट इस राज्य में कितना बजा, पिछले में कितना बजा, इस एमएसपी से कुछ फायदा मिलता है हमको? गेहूं कर लिया 200 क्विंटल किराए की जमीन लेके, उसको बेच देते हैं, मैसेज आ गया, गिरा दिया, वहां पर पैसा आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग हो जाएगी तो किराए पे लेके जमीन बोच के, मेरे नाम जमीन नहीं है जी बिल्कुल, अपने तेरे जैसे से जमीन किराए पे अपनी खेती बाड़ी करता हूँ, उस आदमी के लिए सबसे मुश्किल होगी जिसके पास जमीन नहीं है, जो खेती करता है, वो आदमी का तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। मैं, मेरी तो यही वो है, और 80% बताते हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं तक हूँ, अब 80% खेती पर डिपेंड है हमारा हिंदुस्तान, तो ऐसे तो बर्बाद हो जाए। जी, कोई और राय आप रखना चाहेंगे नरेंद्र? देखो जी, बाद में मिलेंगे, आपका नंबर नंबर लिया है, मिलता रहूंगा, जी पर अब उनके बारे में कुछ भी पूछ लो, उसके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने बड़ी सारगर्भित और तर्कपूर्ण बातें कही हैं। किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम दर्शक जिनका ताल्लुक खेती किसानी से है, तो वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी 10वें दौर की वार्ता होनी है। 10वें दौर की वार्ता से क्या समाधान निकल पाएगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। किसान संगठनों की ओर से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। किसान संगठन भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अगले दौर की वार्ता में जो भी बिंदु होंगे उनमें केंद्र की ओर से सहमति जाहिर की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहड़ी का जो उत्सव है वो देश भर में धूमधाम से मनाया गया। खास तौर पर अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहां भी ये पर्व धूमधाम से मनाया गया, जबकि किसान रोष स्वरूप इनमें कानूनों की प्रतियां उठाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। और किसान तमाम बॉर्डर्स पर लोहड़ी की पवित्र अग्नि में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए नजर आए। किसान यही कह रहे थे कि ये जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो दिल्ली की दहलीज पर ही डटे रहेंगे। हमारा नंबर हरियाणा की आवाज में बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में ये दरार क्यों आई है, सवाल ये भी बना हुआ है। क्योंकि देखिए, जब ये 4 सदस्य कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया तो किसान नेताओं की ओर से भी विरोध किया गया, किसान संगठनों की ओर से भी विरोध किया गया। तमाम संगठनों का यही कहना था कि ये जो किसान नेता हैं ये किसानों का पक्ष रख रहे हैं और ये किसान नेताओं की मांग को दरकिनार कर ये जो 4 सदस्य कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है, चारों सदस्य कृषि कानूनों के पक्ष में ही इससे पहले अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। तो किसानों का भी यही कहना है कि जब 4 सदस्य कृषि कानूनों के लिए जो है वो निष्पक्ष ही नहीं है, तो किस तरह से फिर आगे मंथन हो पाएगा, विचार हो पाएगा, विचार विमर्श हो पाएगा। तो ऐसे में यहां
किसानों की ओर से बार बार यही कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर भी सहमति जाहिर नहीं करते हैं। किसान बार बार यही कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से वो प्रसन्न नहीं है और वो चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों कृषि कानून ही रद्द हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इन कानूनों पर स्टे लगा दिया जा चुका है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि स्टे लगाना ही काफी नहीं है, स्टे लगाए हुए कानूनों को दोबारा से कुछ ही वक्त बाद लागू कर दिया जाता है और इससे ये जो आंदोलन है ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए और देशव्यापी आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए किसान बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हाफ सेंचुरी पूरी और किसानों की मांगे लेकिन अब भी क्यों अधूरी है? और क्यों सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र मान ने वापस लिया? दिनेश निर्वाणा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं दिनेश, अपनी राय रखिए, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, जी सुप्रीम कोर्ट ने काफी बातें सुन करके या कर करके देख करके ही बताई है कि नाम स्टे लगाया है, ये कानून वाक्य में गलत है जी। वैसे स्टे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता, कमेटी बनाने की तो जरूरत होनी जी। चार पांच बात सुनकर इन्होंने सुन ली और सुन ली, फैसला कर दो भाई तीनों कानून रद्द, दोबारा के नाम इनके ऊपर पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बहस होगी, बिल पास जब होंगे और किसानों के साथ बात करो, बातें कुछ नहीं रह रही। ये तो मोदी साहब उन्हें दाढ़ी बनाया करके जनता को पागल बनाने की कोशिश करने लग रहा है। अपने किसानों से एक और बात कहना चाहवा जी, ट्रैक्टर रैली तो कर दो रद्द 26 तारीख में, जितने भी हमारे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में फिर है ना जी खागड़, ये छोड़ दी अंग्रेजी खागड़ जाकर, इनकी सारे 26 जनवरी में दिल्ली में बैठ जाओ, इसको नहीं रोक सकता कोई भी। हाँ मन तंग कर दिए ना तो खेती खेती में रहते ना बढ़ जाइए, मन ना आवे हमारे बड़का भी मारते हैं है? ये मोदी साहब उल्टे उल्टे काम करने लग गए, सुलटा तो एक भी नहीं करने लग गया। ये वापिस लो किसानों के तीनों के तीन, इसमें इसकी अच्छाई होगी, बुराई नहीं होती, और यदि इसकी रखे तो इसकी वह बिरान माटी होगी जो करियो मोदी 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 0% पे आगे खड़े हो जाएगा। मैं पार्लियामेंट लैंग्वेज नहीं करूंगा यूज, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही है, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब इन्होंने कर दिया, हम तो इस हक में है जी, आगे इनकी मर्जी, अरे करना पड़ेगा आज भी तो क्या 10-20 हजार आदमी मर के करेगा जी वो है। कभी कह रहे हैं 26 जनवरी नहीं बढ़ने देते, क्यों 26 जनवरी को हमारे बिरन लाखों आदमी शहीद हुए हैं, क्या मोदी ने पता इस चीज का, एक भी नहीं करे कच्ची वाला आजादी की लड़ाई के लिए लड़ा है, आज ये मालिक बन 70 साल में सब कुछ नहीं किया, सब कुछ करके है और ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्या लिखी बनाई है, इसको कहो ठीक सब दिमाग ठीक कर ले अपना। नमस्ते जी। जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोषात्मक प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से दी जा रही हैं। उनका कहना है कि कृषि कानून रद्द ही होने चाहिए, क्योंकि कितने किसान हैं जो यहां पर अपनी जान खो चुके हैं, कितने किसान हैं जो यहां सर्दी के कारण, हार्ट अटैक के कारण इस देश दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए किसान यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर अपनी सहमति जाहिर कर देनी चाहिए। राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी, क्या विचार? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी के गुरु अडवाणी जी सजा भुगत रहे हैं और उनके गुरु जी मोदी, ट्रंप का समर्थन छोड़ गए हैं और इसी तरह मोदी जी को भी छोड़ जाएंगे। मोदी जी ने तो एमपी एमएलए खरीद के सरकार बनाई है, लेकिन मोदी में जो मोदी समर्थक होंगे एमपी एमएलए के, वो बिना स्वार्थ के ठोकर लगते वो बिना उसके जाएगा, जब दूसरे इनको पता लग जाएगा भाई मोदी ने क्या कर दिया देश के साथ। अब मैं बताना चाहता हूँ जो आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं जज से प्रश्न कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न कर रहा हूँ,
मेरा जज से ये प्रश्न है, जज साहब पूछ रहे कि जमीन नहीं बिकेगी। मैं बताता हूँ जमीन कैसे बिकेगी, आपको बताता हूँ। जमीन इस तरह बिकेगी जैसे एक एकड़ वाला जमीन है, उसके पास गेहूं होती है या कोई चीज फसल होती है, उसके पास उसे 10 क्विंटल होती है, 10 मन होती है। उसने लड़की की शादी करनी है, वो 10 क्विंटल उस टाइम तो वो सोचेगा 10 क्विंटल की जाए और 10 क्विंटल मैं और कर्जा लेकर लड़की की शादी करूँ। और हर माँ बाप चाहता है कि मैं लिमिट से ज्यादा करूँ, अपना पेट भी पालना होता है। अब उसने वो बेच दिया, अब उस मजबूरी में एक एकड़ वाले को जमीन भी बेचनी पड़ती है। कई बार शादियों पर बेचते आए हैं, इतिहास का गवाह है ये। अब ये कारण क्या बढ़ता है, महंगाई आपकी लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी, पर यह दोषपति हमेशा महंगाई बढ़ाते आए हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, अडवाणी की अपना इसकी अंबानी की कंपनी है चाय की, और चाय लगा लो सीमट, ये जितने हैं गिने चुने, और इनके ये रात को मतलब 5 रुपए 10 रुपए एक किलो का रेट ही बढ़ जाता है, तो इनको करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। इनके पास पेट्रोल का भी 10 पैसे रेट बढ़ो, खरबों रुपए इनका इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2000 रुपए वाली जो गेहूं होगी ये 50 रुपए 2100 में ले लेंगे, लेकिन उसका स्टॉक करके हमारे गोदामों का खर्चा, हमारे चौकीदारों का खर्चा और सारा खर्चा लगा के 5000। इसी तरह एक साल करेंगे, दूसरे साल में फिर वो नीचे। आपको ध्यान होगा शेयर, एक बार शेयर बिल्कुल एकदम डाउन करके अंबानी ने शेयर खरीद लिए सारे, फिर उसको ऊपर आसमान पे चढ़ा दिए। इनकी पॉलिसी होती है, एक मछली होती है ना जो, उसी का मांस उसे छोटा सा टुकड़ा के बड़ी मछली को फंसाया जाता है। बिजनेस मैनों का ये रात दिन को ये सोचते रहते हैं। चोर जैसे होता है ना कि रात को चोरी करने जाता है, वो खाली हाथ जाता है, मतलब बुजुर्ग कह रहे गांव से एक उपला भी उठा, उपला जान गोसा उसको भी उठा के लाते थे। तो ये जो ये रात दिन ये सोचते हैं हमने जनता को कैसे लूटना है, कैसे हमने मतलब धोपति पर कैसे पैसा कमाना है, इन चीजों को समझना होगा, आम जनता को समझना होगा। मैं 370 धारा लगाई थी, मैं जब भी मैं बोला था कि वहां ये 1000 रुपए किलो भी सेव नहीं मिलेगा, वहां भी यही होगा। तो छोटे छोटे होंगे ना सारे 10-20 पेड़ वाले, वो सब अंबानी अडानी खरीद लेंगे और फिर वही नौकरी करेंगे इनकी और उनकी गुलामी करते रहेंगे। इनका काम ही यही है गुलामी, जैसे अंग्रेजों ने करवाना था, ये सब उसी की पौध है और इसी वजह से हो रहा है। नफरत इन्होंने पैदा करी है, इनकी वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है और ये आगे भी हिंदुस्तान को बांटेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। और मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास इतना शायद समय भी नहीं है, और ना मतलब है कि दूसरे को भी टाइम देना होता है। जी हम आपको सुन रहे हैं राम, कोई और राय कोई और विचार अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो दरार आई है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? हरियाणा की आवाज में आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, हाफ सेंचुरी पूरी लेकिन मांग क्यों अधूरी, और क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपिंदर मान ने जो नाम वापस लिया है, इससे इस फैसले पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि भूपिंदर मान ने जिस तरह से इस कमेटी से अपना नाम वापस लिया है, तो किसान भी ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपिंदर मान का नाम शामिल ही क्यों किया गया था, जब वो इच्छुक ही नहीं है, क्या उनसे पूछा गया था? अगर उनसे पूछा गया था तो अब क्यों उन्होंने इस कमेटी से नाम वापस लेने के लिए पत्र लिखा है, या ये कहें कि क्यों उन्होंने इस कमेटी से नाम वापस लिया है? तो किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में दरार पर आपकी क्या राय है, और कब तक किसानों के बीच में और सरकार के बीच में ये गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा? तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और जानकारी दे दें कि कल सरकार और किसानों में संवाद होना है, तो आपको क्या लगता है, क्या आगे वाला जो संवाद होगा वो कोई ना कोई निष्कर्षीय बिंदु तक पहुंचेगा? तो तमाम दर्शक हरियाणा की आवाज में जुड़ सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं, ये मंच जनता का ही मंच है। और क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपिंदर मान ने जो नाम वापस लिया है उसका आपको क्या कारण लग रहा है, और क्या इससे संदेश जा रहा है? आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर बार बार फ्लैश हो रहा है, अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, और
हरियाणा की आवाज में दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने राय रखी, उन्होंने अपने विचार साझा किए। आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।